दिल्ली के एक अस्पताल में जो आग लगी उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल के पास रहने वालों का बड़ा आरोप लगाया उन्होंने लगाया है कि अस्पताल के पास ही यहां पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे वो रिफिल किए जाते थे और रिफिलिंग के ही दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों में ये ब्लास्ट हो गया। अस्पताल में आग लगने से बता दें कि 7 नवजातों की मौत हुई। और देखिए इस तरीके की लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है, चाहे वो आसपास के जो तमाम मोहल्ले होते हैं, रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर ही गैस रिफिलिंग स्टेशंस बना दिए जाते हैं, वहां पर अवैध तरीके से छोटे छोटे सिलेंडरों में गैस भरी जाती है, वो कभी भी बड़े हादसे का सबब बन जाता है। किसी अस्पताल में देखिए यहाँ पर सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के उसमें रिफिल किए जाते हैं, उसकी वजह से आग लग जाती है। इस तरीके से गुजरात के राजकोट में भी जो बड़ा हादसा हुआ है टीआरपी गेमिंग जोन में, वहां पर भी 3000 लीटर पेट्रोल डीजल रखा हुआ था और वहां पर भी